नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं पीएसयू बैंक उनके स्टॉक्स के बारे में। तो जैसा हमने लास्ट के 2-3 दिनों से देखा कि पीएसयू बैंक में अपने को बिकवाली देखने को मिलती है, तो क्या ये बिकवाली जस्ट स्टार्टिंग है या फिर आने वाले टाइम में और भी बड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है? तो इन सारे लेवल पे इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे कि सेक्टर पर सारे स्टॉक को कवर करें, इनका लेवल्स को जाने। तो वीडियो को प्लीज पूरा देखना, वीडियो पसंद है तो लाइक और चैनल पर होते कर देना सब्सक्राइब, ताकि जो भी यूजफुल कंटेंट हो आपको टाइम से मिल सके। तो सीधा आते हैं चार्ट के ऊपर और जानने की कोशिश करते हैं उसके लेवल्स के बारे में। स्टार्टिंग करेंगे हम लोग सीधा सेक्टर से। अब अगर सेक्टर को जानने की कोशिश करें तो सेक्टर ने एक बहुत बड़ी गिरावट के बाद यहाँ पे इसने ऊपर जाने की कोशिश की, और ऊपर जाने के बाद इसने इस एरिया को रेजिस्टेंस फेस किया, जो कि एक अच्छा खासा सप्लाई जोन भी था गैप के साथ में। और उस सप्लाई जोन को हिट करने के बाद इसने कुछ दिन कंसोलिडेट किया और फाइनली जो एक सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा था ये एक एरिया, उस एरिया को अच्छे खासे कैंडल के साथ इसने क्लोज कर दिया है। और कल के डे में ही आपके साथ टेलीग्राम में हमने शेयर कर दिया था कि पीएसयू बैंक में थोड़ा बच के रहना। तो अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जाइए फटाफट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और जो लिंक है उसके साथ आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे जो भी रिसर्च होती है फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर की जाती है। बात करें बैकअप चैनल की, तो बैकअप चैनल में अपना व्हाट्सअप चैनल है, व्हाट्सअप ग्रुप है, या फिर बात करें ट्विटर हैंडल की, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको काफी फास्ट आपके साथ अपडेट कर दिया जाता है। उसका भी लिंक भी हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अब जानने की कोशिश करेंगे पीएसयू बैंक के सेक्टर के बारे में। सेक्टर ने एक बड़े रेंज को तोड़ा है और आज सस्टेन करने की कोशिश की है, मतलब अगर कोई भी ऊपर का मौका मिलता है तो अपने को सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ढूंढनी चाहिए। अब बात करेंगे सपोर्ट कहाँ पर नजर आता है। अभी के अकॉर्डिंग जो सपोर्ट नजर आता है, जहां से लास्ट टाइम इस पे रिकवरी दी थी, वही सपोर्ट नजर आता है, जो कि होने वाला है 6320 से लेकर 6180 के आसपास का। लेकिन सबसे बड़ा गेम प्ले अपने को तब देखने को मिलेगा जब ये 6180 के नीचे सस्टेन करना स्टार्ट करेगा सेक्टर। उसके बाद अपने पास जो अगले जो सपोर्ट नजर आएंगे वो होंगे 5930 और हो सकता है अपने को 5665 के आसपास तक भी यहाँ पे फिसलता हुआ दिख सकता है। तो थोड़ा सा सचेत होकर ट्रेड करना है अपने को, क्योंकि एक रेंज को ब्रेक डाउन किया है। सबसे बड़ी बात, अगर प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करें, एक बहुत बड़े रेंज को ब्रेक डाउन और दोबारा रीटेस्ट, और उसके बाद जो गेम प्ले होगा वो थोड़ा सा हो सकता है दर्दनाक हो, तो थोड़ा बच के ट्रेड करना है। अब बात करेंगे इसके लीडर एसबीआई बैंक के बारे में। एसबीआई बैंक यहाँ पे क्या व्यू बनता है, एसबीआई बैंक की बात करते हैं तो एसबीआई बैंक ने यहाँ पे क्या किया, एक अपने रिसेंट रेजिस्टेंस को फेस किया। अभी एक रेजिस्टेंस बन चुका है, लेकिन अभी के अकॉर्डिंग इसने क्या किया है, एक सपोर्ट को तोड़ा है, और सेम वही स्ट्रक्चर अपने को देखने को मिल रहा है जैसा कि हम लोग पीएसयू बैंक के सेक्टर में देख रहे हैं। तो अभी की जो रिसेंट क्लोजिंग है जो आज की, वो है 804 का, और मुझे ऐसा लगता है कि अभी एक छोटा सा अपने को स्टॉप लॉस रखना है, जो होने वाला है 835 का, 835 836 का 5 मिनट या फिर 15 मिनट के क्लोजिंग बेसिस पर रख सकते हैं। जो पहला टारगेट होने वाला है वो होगा 790 का, फर्स्ट टारगेट होगा डाउन साइड का। उसके बाद देखेंगे 785 का सेकेंड टारगेट, और जो थर्ड टारगेट होने वाला है वो होगा 770 का, और 770 के नीचे फिसलने पे फिर अपने जो रास्ते खुलते नजर आएंगे वो होंगे 735 से लेकर 720 के भी नीचे यहाँ पे रास्ते निकल के आ सकते हैं। तो थोड़ा सा सचेत होकर ट्रेड कीजिए। अब बात करने वाले हैं अपने अगले स्टॉक के बारे में, जो कि अगला स्टॉक भी काफी चर्चित रहता है, नाम होने वाला है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने रिजल्ट आया था, रिजल्ट काफी बढ़िया देखने को मिले थे पीएसयू बैंक के अंदर। शायद वही एक ऐसा मौका था जहां पे रिटेलर्स को फंसाया गया है, और रिटेलर्स ने जैसा कि ऊपर के लेवल में बाइंग की है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब यहाँ पे काफी बढ़िया यहाँ पे नीचे के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं, ऐसी मेरी स्टडी बोलती है। अब यहाँ पे अगर देखते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में, तो लास्ट के जो अपने लास्ट की जो कल की कैंडल थी, मतलब अपना वेनसडे की, उसने यहाँ पे दोबारा से एक बड़े रेंज को तोड़ा। रेंज को तोड़ने के बाद प्रॉपर क्लोजिंग मिली और जिसने सस्टेन कर दिया है, मतलब अभी के अकॉर्डिंग जो एक स्टॉप लॉस बनता है वो होगा 255 का 15 मिनट के क्लोजिंग डिस्टेंस पे। बात करते हैं अगर कोई भी अपर मूवमेंट देखने को मिला तो सेल ऑन राइज यहाँ पे ढूंढना चाहिए, या फिर बहुत लगभग कोई भी बड़ी न्यूज आ जाती है तो अपने को अगर यहाँ मौका मिलता है 262-263 के आसपास, तो यहाँ पे हम लोग ढूंढ सकते हैं सेलिंग के लिए, और जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 268 का 15 मिनट के क्लोजिंग डिस्टेंस। बात करते हैं यहाँ से अगर फिसलता है तो अपने पास जो अगला जो टारगेट नजर आता है शॉर्ट टर्म का जो टारगेट होगा वो होगा 238 का। उसके बाद देखेंगे तो 234-235 का सेकेंड टारगेट होगा, और अगर सेलिंग कंटिन्यू रहती है तो 230 का थर्ड टारगेट होने वाला है। उसके बाद देखेंगे अगर ये
इसके नीचे सस्टेन करने की कोशिश करता है जो लेवल होगा 230 231 के नीचे, तो हो सकता है बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए जो अगले जो टारगेट खुलते हुए नजर आएंगे वो होंगे 222 से लेकर 220, और अगर मार्केट क्रैश होती है तो इस केस में तो 200 के लेवल भी देखने को मिल जाएंगे। तो थोड़ा सा सचेत होकर ट्रेड करेंगे। बात करें बाइंग कहां पे करनी है, बाइंग के लिए अभी कोई लेवल निकल के नहीं आता, 200 से पहले कोई भी बढ़िया सपोर्ट अपने पास बैंक ऑफ बड़ौदा में नजर नहीं आता है, तो थोड़ा सा सचेत होकर ट्रेड करें, कम से कम क्वांटिटी में करें, और बेटर होगा एक बार खुद की रिसर्च और अपने रिस्क को कैलकुलेट करके ट्रेड करें। बात करने वाले हैं केनरा बैंक के बारे में। अब केनरा बैंक की बात करते हैं तो इसने क्या किया है, एक रेंज को इसने भी तोड़ा है। इसके बारे में तो जो आपके साथ रिसेंट वीडियो शेयर की गई थी मार्केट वीक की, उसके साथ भी हमने इसको शेयर किया था, और इसने एक बड़े रेंज को तोड़ा, और तोड़ने के बाद आज के डे में इसने सस्टेन किया, और सस्टेन करने के बाद जो अगले रास्ते नजर आते हैं वो होंगे 95 से लेकर 93 के, और 93 के नीचे अगर सस्टेन करने पे देखे तो सीधा यहाँ पे केनरा बैंक के रास्ते नजर आएंगे, यहाँ पे 91 से लेकर 90 के लेवल देखने को मिलेंगे, और उसके बाद हो सकता है कि मतलब कोई भी अच्छा डिमांड जो नजर नहीं आता। अब ढूंढते हैं जिन लोगों ने फ्रेश बाइंग करनी है इसके अंदर क्या करना है। अगर जिनको फ्रेश बाइंग करनी है, अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम पे आता हूं तो अभी मुझे कुछ नजर नहीं आता, तो बेटर होगा थोड़ा मैं वेट एंड वॉच करके चलूंगा। और यहाँ पे 69 और हो सकता है अपने को 60 के भी लेवल देखने को मिले, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके चलना है पोजिशनल बाइंग के लिए, क्योंकि कोई भी अच्छे डिमांड जोन यहाँ पे नजर नहीं आते। जब तक इसमें पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को ना मिले, अपने को इससे बच के रहना चाहिए फ्रेश बाइंग से। अब बात करने वाले हैं पीएनबी बैंक के बारे में। पीएनबी बैंक तो कितने सालों बाद मतलब एक चलने की इसने उम्मीद जगाई थी, और उसके बाद इसमें अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिल रही है। तो पीएनबी बैंक ने क्या किया है, एक रेंज को तोड़ा है, कल के वीडियो में भी इसके प्राइस एक्शन को समझाया था हमने, एक रेंज को तोड़ा जो कि 107 से लेकर 103 के बीच में बनता हुआ दिख रहा था, उस रेंज को तोड़ने के बाद आज रिटेस्ट और दोबारा से अच्छा खासा फॉल। अब यहाँ पे मैं क्या देखता हूँ कि इसके अंदर कोई भी सेल ऑन राइज यहाँ पे मिलना चाहिए, तो हम लोग को सेल ऑन राइज की ही अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए, ना कि बाय ऑन डिप की। बात करें एक बढ़िया रेजिस्टेंस अभी को अकॉर्डिंग उसका होगा 108 का। बात करें सपोर्ट लेवल की तो वो होने वाला है 97.80 का पहला टारगेट होगा डाउन साइड के अंदर। सेकेंड टारगेट देखते हैं तो 96 और हो सकता है 93 के लेवल भी दिखाता हुआ दिख जाए अपने। अब 93 के नीचे फिसलने पे एक फ्रेश सेलिंग स्टार्ट होगी जो कि पीएनबी को 90 और हो सकता है कि 86 तक लेके जाए, लेकिन फ्रेश बाइंग जो करना चाहते हैं वो कहाँ कर सकते हैं, फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके चलना चाहिए। 78 से लेकर 73-72 के आसपास एक ठीक ठाक सा सपोर्ट है, और हो सकता है उससे भी नीचे जाए, लेकिन बेटर होगा कि अभी थोड़ा वेट एंड वॉच कर चले। फ्रेश पोजिशन तभी बनाए जब इसमें कोई भी प्राइस एक्शन पॉजिटिव के साइड में यहाँ पे इंडिकेट करता हुआ दिखे। अब बात करने वाले हैं छोटे से डिस्क्लेमर के बारे में। इस वीडियो में बताएगा जो भी लेवल्स है ये मेरे खुद की स्टडी है, और बेटर होगा कि अगर आप किसी भी स्टॉक के अंदर पर्टिकुलर कोई भी पोजीशन बनाना चाहते हैं, चाहे बाइंग की या फिर सेलिंग की, एक बार खुद की रिसर्च की जरूर कर लें, क्योंकि इस वीडियो के थ्रू जस्ट मैं अपना व्यू शेयर कर रहा हूँ, ना कि किसी को बाइंग या फिर सेलिंग की सलाह दे रहा हूँ। तो बेटर होगा कोई भी पोजीशन बनाए तो अपने रिस्क को कैलकुलेट करके बनाए, और किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर ऐसा ट्रेड ना बनाए जिससे अगर स्टॉप लॉस होने पर आपके कैपिटल का एक बहुत बड़ा हिस्सा वाइप आउट हो जाए। तो बेटर होगा खुद रिसर्च करें, अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग अगर किसी की रिसर्च मैच करती है तब ठीक है, अदरवाइज इग्नोर करते चलिए। अब बात करने वाले हैं फेडरल बैंक के बारे में। फेडरल बैंक ने एक रिसेंट अपने ऑल टाइम हाई लगाया, और ऑल टाइम हाई लगाने के बाद इसने फाइनली एक जो एक सपोर्ट था उसको तोड़ दिया है। अब मुझे जो ऐसा लगता है कि अपने को फेडरल बैंक में जो यहाँ पे अपने को जो गिरावट देखने को मिल सकती है, अभी रिसेंट अपने को क्लोजिंग देखने को मिली है 197 के आसपास जो है, तो मेरा पहला टारगेट होगा वो होगा 192.20 का। उसके बाद 192 के नीचे सस्टेन करने में जो सेकंड टारगेट होगा वो 190 का, और हो सकता है अपने को सीधा 185-83 के भी लोअर टारगेट देखने को मिल जाए। लेकिन सबसे बड़ा अपने पास गेम प्ले तब होगा जब ये 181 के नीचे सस्टेन करना स्टार्ट करेगा, तब इसके अंदर जो असली गेम स्टार्ट होगा वो सीधा 174 और हो सकता है आने वाले टाइम में 166 के लेवल देखने को मिल जाए। अब उन लेवल की भी बात करते हैं जहां पे फ्रेश बाइंग करनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर अभी कोई भी बढ़िया सपोर्ट नजर नहीं आता है। अगर बड़ी सेलिंग आती है पीएसबी बैंक के अंदर तो इससे पहले मतलब 127-128 से पहले कोई भी बढ़िया सपोर्ट नजर नहीं आता, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके चलेंगे। जरूरी नहीं है कि स्टॉक यहाँ तक आ जाए, लेकिन जब इसमें प्राइस एक्शन जब पॉजिटिव यहाँ पे दिखाने की कोशिश करेगा तब बाइंग करके चलेंगे, अदरवाइज इग्नोर करना ही बेटर होने वाला है।
अब बात करने वाले हैं सीयूबी के बारे में। सीयूबी ने क्या किया है, इसने भी कल के डे में जो एक रीसेंट सपोर्ट था उसको तोड़ दिया है। तोड़ने के बाद आज रिटेस्ट हुआ है। अभी ये उतना नेगेटिव नहीं देखने को मिल रहा, लेकिन फिर भी सेक्टर का जब सपोर्ट मिलता है तो अच्छे अच्छों को नेगेटिव कर देता है। तो खैर ये तो कहें सीयूबी है, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके चलेंगे और बेटर होगा कि फ्रेश बाइंग के लिए हम लोग 183 को सस्टेन करने पे ही करेंगे, अदरवाइज उससे पहले अपने को सिर्फ सेल ऑन राइज की ऑपर्चुनिटी ढूंढनी है। बात करते हैं नेगेटिव यहाँ पे इम्पैक्ट देखने पे अपने को कौन से लोअर लेवल देखने को मिलेंगे। तो अभी की जो क्लोजिंग है वो 172 के आसपास है, और अगर यहाँ पे नेगेटिव सेंटिमेंट देखने को मिलते हैं पीएसयू बैंक के अंदर, तो इसके अंदर जो पहला टारगेट होगा डाउन साइड का होगा 164-165 का। उसके बाद 161 से लेकर 160 के भी लिवर लेवल देखने को मिल जाएंगे सीयूबी में। और उसके बाद देखें तो ये गैप फिलिंग, और गैप फिलिंग के बाद जो सपोर्ट बनता है होगा 150 से 152 का। अब बात करते हैं बाइंग कहाँ करनी है। सबसे बड़ी बात है निफ्टी की तरह यहाँ भी स्ट्रक्चर है, जब ये लेवल टूटेगा ना, ये लेवल 147 का, जब ये टूटेगा तो खुले आसमान होंगे, जो कि सीधा इसको 130 और हो सकता है कि 128 के लोअर लेवल भी दिखाता हुआ दिख जाए। फ्रेश बाइंग कहाँ करनी है, अभी कोई भी फ्रेश बाइंग नहीं करनी है। एक बहुत बड़े टाइम फ्रेम का एक सपोर्ट लेवल निकल के आता है ये लेवल, ये लेवल एक बहुत बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट है जो कि 114-115 के लेवल है, और ये अगर टूटा तो थोड़ा सा बच के ट्रेड करना, क्योंकि फिर उसके बाद इसके अंदर बहुत बड़ी बिकवाली देखने को मिलेगी। लेकिन इतनी आसानी से ये लेवल नहीं टूटेगा, लेकिन थोड़ा सा हम विवेचन वोट करके चलेंगे। अगर ये लेवल टूटता है तो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट को काफी ज्यादा ये इफेक्ट कर सकता है। अब बात करने वाले हैं हम लोग अगले स्टॉक के बारे में, नाम निकल के आता है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक यहाँ से काफी ज्यादा नेगेटिव यहाँ पे देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे दूर काफी दूर नजर आते हैं यहाँ पे सीधा प्राइस एक्शन, जो कि इसको एक अच्छी तरीके से नीचे धकेल सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो एक रेजिस्टेंस का फेस करता हुआ नजर आ रहा, रेजिस्टेंस को फेस करता हुआ आ रहा है, जो कि ट्रेंड लाइन का होगा। 1, 2, 3, 4 टाइम इसने टेस्ट कर दिया है, और मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो क्लोजिंग देखने को मिली है 113 के आसपास, तो इसने एक रीसेंट सपोर्ट को तोड़ा है, और सपोर्ट को तोड़ने के बाद यहाँ पे कोई भी ऊपर के लेवल देखने को मिले तो सिर्फ और सिर्फ अपने को अभी के अकॉर्डिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ सेलिंग के साइड में जाना है, ना कि बाइंग के साइड में। अब बात करते हैं 113 पे क्लोजिंग देखने को मिली है, सपोर्ट क्या होगा। सपोर्ट जो पहला होगा वो 110 का होगा, 108 का सेकंड सपोर्ट होगा, और असली गेम प्ले अपने को देखने को तब मिलेगा जब ये 106 के नीचे सस्टेन करना स्टार्ट करेगा, तब इसके अंदर जो लोअर टारगेट देखने को मिलेंगे वो 104-102, और हो सकता है वहां से और भी अगर सेलिंग कंटिन्यू रहती है यहाँ पे 95-93 के लोअर लेवल देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं कि अगर यहाँ पे फ्रेश बाइंग करना है तो क्या ढूंढना चाहिए। अगर फ्रेश बाइंग ढूंढना है और बड़ी सेलिंग अगर आती है यहाँ से पीएसयू बैंक के अंदर, क्योंकि अभी मार्केट के अकॉर्डिंग पीएसयू बैंक में उतनी बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली है जैसा कि बाकी स्टॉक में देखने को मिली, तो अगर पीएसयू बैंक में यहाँ से बड़ी गिरावट देखने को मिलती है तो अगला जो यहाँ पे बढ़िया जो सपोर्ट निकल के आता है वो होगा 77 से लेकर 65 का लेवल। तो काफी दूर है, हम लोग ये नहीं बोल रहे कि सीधा वहीं पे आ जाएगा, लेकिन अगर बड़ी सेलिंग आती है तो वही एक अच्छा सपोर्ट है जो इसको रोक सकता है, अदरवाइज उससे पहले सब कुछ गार्बेज पड़ा हुआ है। तो बेटर होगा वेट एंड वॉच करें, फ्रेश बाइंग करने से पहले एक बार रिस्क कैलकुलेट कर ले और स्टॉप लॉस यहाँ पे स्टिक करा, मतलब ये नहीं कि स्टॉप लॉस हो गया चल कर ले लेंगे, मतलब वो फिर पड़ा रह जाएगा पास और एक बहुत बड़े लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिए वो आप बने रह जाएंगे। बात करने वाले हैं इंडियन बैंक के बारे में, रिसेंट क्लोजिंग है 536 की, और ये मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस को फेस करना था, ऑलमोस्ट थोड़ा सा पहले आ गया वो, और यहाँ पे देखेंगे तो अभी इसके अंदर एक बढ़िया रेजिस्टेंस है जो कि 610 या फिर 600 का बढ़िया लेवल होगा, और इसके बीच में अपने को जो भी अपने को ऊपर के लेवल देखने को मिले सिर्फ और सिर्फ सेलिंग के लिए ढूंढना चाहिए। बात करें इसके सपोर्ट लेवल की तो जो अगला सपोर्ट नजर आता है वो होगा 510 से लेकर 500 का लेवल, और 500 के लेवल को टूटने पे, मतलब 493-490 के लेवल को टूटने पे, तो इसके अंदर जो लोअर लेवल देखने को मिलेंगे वो होंगे 480 से लेकर 465 के लेवल, और हो सकता है अपने को 450 के लेवल भी दिखाता हुआ दिख जाए। बात करेंगे इसका जो जेन्युइन सपोर्ट है वो कहाँ पे देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात है कि जो इसको फ्रेश बाइंग के लिए ढूंढना चाहते हैं वो 420 से लेकर 390 के बीच में एक ठीक ठाक का सपोर्ट लेवल बनता है। उसके बीच में अगर कोई आने के बाद अगर कोई भी वहां पे प्राइस एक्शन दिखाता है पॉजिटिव के साइड में, तब तो हम लोग जा सकते हैं खरीदारी के साइड में।
अदरवाइज अभी इग्नोर करके चलना है। अब बात करेंगे एक बढ़िया जो सपोर्ट नजर आता है वो होगा ये लेवल। आप यहाँ पे लेवल निकल के आते हैं 480 का। अगर 480 का तोड़ता है और क्लोजिंग के साथ सस्टेन करता है तो एक बड़े रेंज का ब्रेकडाउन होगा। तो इस केस में अपने को एक बहुत बड़ा पैनिक देखने को मिल जाएगा इंडियन बैंक के अंदर। अब बात करेंगे अगला स्टॉक। अगला स्टॉक होने वाला है बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे एक छोटा बैंक है, 104 रुपए की क्लोजिंग है। इसने भी सेम वही एक रेंज को तोड़ा है और सस्टेन करने की कोशिश की है। अगला जो सपोर्ट होगा, मतलब जो अगला डाउनसाइड का टारगेट होगा, वो होगा 102 101 का। उसके बाद देखेंगे तो 99 का और हो सकता है 96 के लोअर लेवल दिखाता हुआ दिख जाए। लेकिन क्या ये सेलिंग यहीं पर रुक जाएगी? जो फ्रेश सेलिंग जो स्टार्ट होगी ना, मतलब जो एक बड़ी सेलिंग जो स्टार्ट होगी, वो होगी 95 के नीचे फिसलने पे। तब इसके अंदर जो टारगेट देखने को मिलेंगे होंगे 91 से लेकर 88 के, और उसके बाद यही अपना एक ठीक ठाक सपोर्ट होगा 85 के आसपास। अब फ्रेश बाइंग के लिए कहां पे अपने को वेट एंड वॉच करके चलना है? जो फ्रेश बाइंग के लिए ढूंढना चाहते हैं उनके लिए जो लेवल निकल के आता है वो होगा 74-75 से लेकर 67 के आसपास का जो लेवल होगा वो ठीक ठाक सा सपोर्ट होगा। पर बड़ी सेलिंग को वो एक जोन होगा जो कि रोक सकता है। तो थोड़ा सा आप लोग वेट एंड वॉच करके चलेंगे, और उस लेवल के पास आने पे अपने को अगर कोई भी प्राइस एक्शन दिखाता है थोड़ा सा पॉजिटिव साइड में, तो यहाँ पे हम लोग जा सकते हैं खरीदारी के साइड में। अदरवाइज अभी जो इंट्राडे वाइज बोले या फिर पोजिशनल बोले, अपने सारे प्राइस एक्शन जो भी है वो थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट डालने की कोशिश कर रहे हैं। नाम होने वाला है इंडियन ओवरसीज बैंक का काउंटर। इसने तो बहुत ज्यादा बियरनेस यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर दी है। जो रिसेंट लो थे उसको ही इसने अभी तोड़ने की कोशिश कर ली। अब 49.50 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। बड़ी पैनिक अपने को देखने को मिल सकती है जब ये सस्टेन करना स्टार्ट कर जाएगा 48.50 के नीचे। इसके अंदर जो अगला जो डाउनसाइड का टारगेट होगा वो 46 और हो सकता है 44 से लेकर 42 के लेवल दिखाता हुआ दिख जाए। और ऑलरेडी स्टॉक काफी ज्यादा करेक्ट हो चुका है, मतलब 80 रुपए से स्टॉक करेक्ट होकर लगभग 42-40 के आसपास जाने की कोशिश है। मतलब स्टॉक वहां से ऑलमोस्ट आधा होने की कोशिश कर चुका है। बात कर रहे हैं फ्रेश बाइंग के लिए कौन से लेवल होने वाले हैं। फ्रेश बाइंग के लिए जो एक लेवल निकल के आता है वो होगा 43 से लेकर 38-37 के बीच का एक रेंज होगा, जो कि बढ़िया सपोर्ट है। और वहां पे अपने को वेट एंड वॉच करना है कि थोड़ा सा अगर वहां पे अगर कोई पॉजिटिव साइन दिखाता है तभी बाइंग के साइड में जाना है, अदरवाइज इग्नोर करना है। और बात करेंगे अगर बहुत बड़ी पैनिक देखने को मिलती है पीएसयू बैंक या फिर मार्केट के अंदर भी, तो अपने को ये लेवल जो बेस्ट होगा खरीदारी के लिए वो होगा 27 से लेकर 22 रुपए के रेंज तक। तो बात करने वाले हैं अगले स्टॉक के बारे में। नाम होने वाला है महाबैंक। काफी लोगों का पसंदीदा बैंक हुआ करता था, लेकिन इसमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। और वीडियो थोड़ी सी लंबी है क्योंकि कल है मार्केट बंद, तो बेटर होगा कि आप लोग पूरे वीडियो को सही से वॉच करें। प्राइस एक्शन समझने की आपको काफी बढ़िया हेल्प मिलेगी इस वीडियो के थ्रू। और सबसे बड़ी बात है कि वीडियो लंबे होने का रीजन यह है कि एक ही वीडियो में हमने सोचा है पूरा पीएसयू बैंक को ही कवर अप कर लिया जाए, ताकि जो अपना हॉलीडे है उसका सही से यूज हो पाए। तो वीडियो बनाने में काफी टाइम लगा, काफी मेहनत लग रही है, तो बेटर होगा कि आप लोग वीडियो को पूरा सही से देखें, एक लेवल को समझने की कोशिश करें। सिर्फ ये नहीं कि मतलब हमने आ रही एंट्री इसमें है तो इस चलते हमने इसको देखा और इसको छोड़ दिया। इससे क्या है कि आपको प्राइस एक्शन समझने की काफी ज्यादा प्राइस एक्शन समझने में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। और आगे इस तरीके से अगर कोई भी मूवमेंट देखने को मिले तो आपको ये पकड़ने में आसानी होगी कि हाँ इस तरीके से अगर प्राइस एक्शन बनती है तो अपने को एक बड़ा सेलिंग देखने को मिलता है। तो वीडियो को प्लीज पूरा देखना, वीडियो पसंद हो तो लाइक बिल्कुल कर लेना, और जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर कर देना, ताकि आने वाले जो भी आपके दोस्त हैं, जो भी आपके सर्कल में हैं, उनको इस वीडियो के थ्रू कुछ ना कुछ हेल्प हो सके। अब बात करने वाले हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जिसको हम लोग महाबैंक के नाम से जानते हैं। अभी जो रिसेंट क्लोजिंग देखने को मिली है वो मिली है 50.50 के आसपास। एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस होगा 57-58 का। जब तक उसके ऊपर ना निकले बाइंग नहीं करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ सेल ऑन राइज के ऑप्शन ढूंढने चाहिए। और ऐसे स्टॉक में तो हम लोग सेल ऑन राइज के ऑप्शन ढूंढ ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे अपने को ऑप्शन तो है नहीं। और हाँ यह है कि वहां पे जाए तो थोड़ा सा हम लोग जो भी हमने शॉर्ट टर्म्स के लिए बाय कर रखा है उसको हम लोग यहाँ पे निकाल के चल सकते हैं। अब यहाँ पे जो सपोर्ट है वो होगा 48 से लेकर 47 का लेवल। और बड़ा अपने को गेम प्ले तब देखने को मिलेगा जब ये 47 के नीचे सस्टेन करना स्टार्ट करेगा, तो इसके अंदर जो टारगेट होंगे 46-45। और फ्रेश बाइंग के लिए अगर मैं देखता हूं, जो अगला यहाँ पे सपोर्ट निकल के आता है वो होगा 45 से लेकर
41 का लेवल, मतलब 40 के आसपास था, तो उस लेवल तक ये आ सकता है। और अगर बहुत बड़ी पैनिक आती है मार्केट के अंदर तो यहाँ पे 31 या फिर हो सकता है 26 तक ये भी फिसल सकता है, तो थोड़ा सा हम लोग बच के चलेंगे ऐसे स्टॉक्स के अंदर। बात करने वाले हैं सेंट्रल बैंक के बारे में। अब सेंट्रल बैंक की बात करते हैं तो इसने भी एक बहुत बड़े रेंज को तोड़ा है। रेंज को तोड़ने के बाद क्लोजिंग देखने को मिली है 52 के आसपास। अभी के अकॉर्डिंग जो अगला टारगेट नजर आएगा या फिर अगला सपोर्ट नजर आएगा वो होगा 50.50 से लेकर 49 तक, जो पहला डाउनसाइड का टारगेट होगा या फिर पहला सपोर्ट होगा, यही होने वाला है। अब बड़ा गेम प्ले अपने को देखने को तब मिलेगा जब ये 49 के नीचे जब ये सस्टेन करना स्टार्ट कर जाएगा, तब इसके अंदर एक बड़ी सेलिंग और देखने को मिलेगी, जो कि सीधा इसको धीरे धीरे ही सही लेकिन नीचे लेके आ सकती है सीधा 47। उसके बाद देखेंगे 44 और हो सकता है अपने को 37 के लेवल दिखाता वो दिख जाए। अब यहाँ पे ऑलरेडी ये स्टॉक मंथली का सप्लाई जोन से चल रहा है, मंथली के जो डिमांड जोन है वो अपने को देखने को मिल रहा है 44 से लेकर 41 तक, और बड़ी सेलिंग आती है तो इस केस में जो अपना जो डिमांड जोन निकल के आएगा वो होगा 30 से लेकर 26 तक। तो इस लेवल को ध्यान रख के चलना है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंदर। बात करने वाले हैं पीएसबी बैंक के बारे में। पीएसबी बैंक भी काफी ज्यादा चर्चित स्टॉक है और इस स्टॉक में भी काफी एक टाइम एक अच्छा खासा बुलिश देखने को मिला था, जहां पे जब पीएसबी बैंक अपने एक ऑल टाइम ट्रेंडिंग में चलते हुए दिख रहे हैं, तो यहाँ पे रिसेंट इसने हाई बनाया था 73 का और वहां से स्टॉक ऑलमोस्ट आधा हो चुका है। वो आज की क्लोजिंग जो देखने को मिली है वो मिली है 47.43 के आसपास, ऑलमोस्ट अपने लो के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहा है। मतलब ये 47 के नीचे सस्टेन करने पे जो इसके रास्ते खुलते नजर आएंगे वो होंगे 43, उसके बाद 41 और हो सकता है अपने को 38 के लेवल दिखाता वो दिख जाए। अब बात करने वाले हैं जो फ्रेश बाइंग के लिए कहाँ पे ढूंढना है, तो सबसे बड़ी बात है ये चलता हुआ दिख रहा है मंथली के सप्लाई जोन से और हो सकता है यहाँ पे 6 मंथ का भी सप्लाई जोन हो। हाँ डेफिनेटली, अब 6 मंथ का सप्लाई जोन है तो अगला जो डिमांड जोन होगा वो 34 से लेकर 24 के रेंज के बीच में होगा, और यहीं पे अपने पास एक दो डिमांड जोन निकल के आते हैं सीधा 32-34 और एक होगा 26 के आसपास का। इस लेवल को ध्यान रख के चलना है, यहाँ पे हम लोग खरीदारी के साथ जाएंगे और वो भी तब जब ये थोड़ा सा पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखाने की कोशिश करता है, अदरवाइज इग्नोर करके चले। बात करने वाले हैं जेएनके बैंक के बारे में। जेएनके बैंक जिसने रिसेंट अपने मंथली के सप्लाई जोन को हिट किया और वहां से लगातार सेलिंग देखने को मिल रही है, मतलब एक मंथली के सप्लाई जोन में यहाँ पे इसकी एंट्री हुई थी और मंथली के सप्लाई जोन किस तरीके से काम करते हैं ये परफेक्ट आपके पास ये एग्जाम्पल है। स्टॉक एक बड़े ट्रेंडिंग में चलता हुआ जा रहा था, मंथली के सप्लाई जोन में यहाँ पे प्रॉपर अच्छे सप्लाई जोन में एंट्री होती है और यहाँ पे जो स्टॉक ने यहाँ पे हाई लगाया था 157 को, वहां से यहाँ पे करेक्ट होके 95 आ चुका है और यहीं पे एक 6 मंथ का भी सप्लाई जोन होगा। हाँ डेफिनेटली। अब यहाँ पे आते हैं डेली पे, तो देखे तो क्लोजिंग देखने को मिली है 95 के आसपास, अभी जो रिसेंट सपोर्ट है वो निकल के आते हैं यही लेवल 94.50 का, उसके तोड़ने पे बड़ी सेलिंग और स्टार्ट होगी जो कि 89 से लेकर 88 तक लेके जाएंगे, और 88 के नीचे सस्टेन करने पे यहाँ पे बड़ी सेलिंग और यहाँ पे स्टार्ट हो सकती है जो कि इसको सीधा यहाँ पे 71 से लेकर 68 तक लेके आ सकते हैं। तो यहीं पे अपना एक मंथली का जो डिमांड जोन होगा वो 50 के अराउंड होगा और उससे पहले अगर कोई प्राइजेक्शन बनाता है तो वही 58 या फिर 54 के आसपास बना सकता है, तो ये अपनी खरीदारी के लिए बेस्ट लेवल होंगे और उससे पहले इग्नोर करके चलेंगे। बात करने वाले हैं कर्नाटका बैंक के बारे में। कर्नाटका बैंक ने एक बड़े रेंज को तोड़ा और इसने काफी पहले ही ब्रेकडाउन दे दिया था, तो यहाँ पे एक सपोर्ट के आसपास आया है, तो यहाँ से हो सकता है कि मार्केट में थोड़ी रिकवरी आए, तो यहाँ से हो सकता है थोड़ा सा ट्रेंडिंग दिखाए ऊपर के साइड में, मतलब यहाँ से एक अच्छी खासी रिस्पेक्ट करे इस लेवल को जो कि 203 से लेकर 200 का लेवल है। अगर यहाँ से थोड़ा सा रिस्पेक्ट करता है तो अपने को हो सकता है रिटेस्ट टाइप का मारता हुआ दिखे जो कि 214-215 के बीच में आए और उसके बाद यहाँ पे गिरावट देखने को मिले। और बात करें बड़ी सेलिंग अपने को तब देखने को मिलेगी जब ये 200 के नीचे सस्टेन करेगा, तो इसके अंदर जो अगला टारगेट होगा वो 192-190 का पहला टारगेट होगा, उसके बाद देखेंगे 185 के नीचे सस्टेन करने पे रास्ते खुलते नजर आएंगे सीधा 160 से लेकर 150 के लेवल। और यहाँ पे मंथली के हम लोग देखें तो यही डिमांड जो निकल के आते हैं 135 से लेकर 125 के बीच में, तो ये लेवल अपनी होगी फ्रेश बाइंग के लिए, अदरवाइज उससे पहले इग्नोर करके चलना है। बात करने वाले हैं धनलक्ष्मी बैंक के बारे में। धनलक्ष्मी बैंक जिसने बहुत पहले
जब मार्केट में ट्रेंडिंग थी, अभी पीएसयू बैंक में एक बहुत बड़ी रैली चला करते थे, ज्यादा पुरानी बातें नहीं है, 2024 में जनवरी की बात है, और उस समय ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा था 58 के आसपास, वहां पे करेक्ट हो चुका है लगभग 31.676, मतलब स्टॉक वहां से 50% करेक्ट हो चुका है। अभी एक ठीक ठाक सपोर्ट के आसपास यहाँ पे सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। ये सपोर्ट लेवल जो निकल के आता है वो होगा 28 से लेकर 30-31 के आसपास। बड़ी सेलिंग इसके अंदर तब देखने को मिलेगी जब ये 27.50 रुपए के नीचे सस्टेन करना स्टार्ट करेगा, फिर इसके अंदर और भी जो लोअर लेवल देखने को मिलेंगे वो सीधा 24 और हो सकता है 21-20 के भी लेवल दिखाता हुआ दिख जाए, तो इसको हम लोग उस लेवल पे हम लोग खरीदारी के साथ जाएंगे। और यहाँ पे देखे तो यहीं पे अपना नहीं, उस लेवल पे नहीं जाएंगे सॉरी, मतलब वो एक डेली का ठीक ठाक सा सपोर्ट जोन है। बाकी अगर बड़ी सेलिंग अगर आ रही है तो ये आ रही है मंथली के सप्लाई जोन से, इसको रोकने के लिए हम लोग यूज करेंगे मंथली का ही डिमांड जोन जो कि लेवल निकल के आते हैं 17 से लेकर 14 के लेवल तक, तो इसके बीच में हम लोग बाइंग के लिए सोचेंगे, वो भी तब अगर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखाता है वहां से। तो बात करने वाले हैं आईडीबीआई बैंक के बारे में। आईडीबीआई बैंक मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ी सेलिंग यहां देखने को मिलेगी और ये सेलिंग बहुत तगड़ी होगी, क्योंकि इसका रीजन है 1 2 3 4 5, 5 टाइम ये सपोर्ट टेस्ट हो चुका है, और इसके बाद अगर ये टूटा 75 का लेवल अगर ये टूटा तो अपने पास सीधा जो पहला टारगेट होगा 69 से लेकर 67 के बीच में, और हो सकता है आने वाले टाइम में और भी बड़ा करेक्शन देखने को मिले, क्योंकि एक बहुत लंबे टाइम से उसी रेंज पे कंसोलिडेट कर रहा है, और जो अगला सपोर्ट नजर आएगा वो 63 से लेकर 59 का होगा, और उसके बाद अगर भी सेलिंग कंटिन्यू रहती है तो सीधा यहाँ पे 48 से लेकर 42 के लेवल होंगे जो कि ठीक ठाक से सपोर्ट का काम कर सकते हैं। बात करते हैं अगले स्टॉक के बारे में, नाम होने वाला है साउथ इंडियन बैंक होने वाला है। बात करें उसके लेवल्स के बारे में, उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को कर दो लाइक, कर दो चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आपके साथ जो भी यूजफुल कंटेंट हो आपको टाइम से मिल सके, और इस वीडियो को बनाने में काफी मतलब टाइम भी लगा है, आप लोग देख रहे होंगे काफी बड़ा ड्यूरेशन यहाँ पे हमने स्पेंड किया है वीडियो पे, तो बेटर होगा कि प्लीज वीडियो को लाइक कर दो ताकि आपको सीखने को भी मिले और प्लस जितना हमें कुछ और मोटिवेट मिले, ताकि हाँ वीडियो को अगर कुछ लोग प्यार दे रहे हैं तो हम लोग और भी कुछ अच्छे कंटेंट आपके साथ शेयर करने की कोशिश करें। अब नाम होने वाला है साउथ इंडियन बैंक, ये भी पीएसयू बैंक की कैटेगरी में आता है, और 22.40-22.44 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। एक सपोर्ट होगा जो निकल के आता है 22.20 रुपए के आसपास का, ये टूटने पे अपने पास एक बड़ी सेलिंग होगी जो कि सीधा 21 और 20 के लेवल लेके आएगी, और उसके बाद अगर सेलिंग कंटिन्यू रहती है तो सीधा 18 से 16 के लेवल भी देखने को मिल जाएंगे। अब आप बोलेंगे इसके अंदर एक बड़ा करेक्शन कहाँ हो गया, स्टॉक 22 का है और 22 से अगर ये स्टॉक सीधा 18 तक आता है तो यहां से 18% करेक्शन हो जाएगा, तो छोटे स्टॉक आप लोग कैलकुलेट करेंगे अगर परसेंटेज में तो ज्यादा बेटर होगा। अब बात करने वाले हैं कि इस स्टॉक में क्या हो सकता है, तो ये अपने रिसेंट ऑल टाइम हाई से आ रहा है और ये सस्टेन नहीं कर पाया था, तो यहाँ पे जो मंथली का जो डिमांड जो होने वाले हैं उसमें ये एक बार चल चुका है, तो बड़ी सेलिंग अपने को 21 के नीचे देखने को मिलेगी, 21 के नीचे सस्टेन करने पे, और उसके बाद अपने पास जो 15 से लेकर 12 का लेवल होगा वो ठीक ठाक सा लेवल निकल के आएगा जो कि हो सकता है इसको ऊपर की तरफ लेके जाए। बात करने वाले हैं यूको बैंक के बारे में। यूको बैंक ने क्या किया है, एक रेंज को तोड़ दिया है, सस्टेन भी कर चुका है, जो अगले सपोर्ट नजर आते हैं वो दूर दूर तक तो अभी नहीं है, लेकिन फिर भी देखें तो जो अगला एक सपोर्ट होगा ठीक ठाक का वो होगा 37 से लेकर 35 का लेवल, और एक बड़ी सेलिंग अगर देखने को मिलती है तो हो सकता है 31 से लेकर 28 के बीच में यह फिसलता हुआ दिख जाए, और उसके बीच में ही अपने पास एक बढ़िया डिमांड जोन होगा जो कि डेली और मंथली को कोइंसाइड करता हुआ होने वाला है, तो उस लेवल पे हम लोग दोबारा से खरीदारी के लिए छूट सकते हैं। अब जाते जाते एक बार आखिरी स्टॉक निकल के आता है करूर वैश्या बैंक, जो कि पीएसयू बैंक में अगली स्टॉक और लास्ट स्टॉक होने वाली है इस वीडियो की। इसने भी एक रेंज को तोड़ा है और ये रिसेंट हाई से आता हुआ दिख रहा है, 211 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है, लेकिन अभी इसके अंदर जो फ्रेश सेलिंग है वो अपने को तभी देखने को मिलेगी जब ये लेवल तोड़ के सस्टेन करने की कोशिश करेगा। ये लेवल निकल के आते हैं 209 का, 209 के नीचे सस्टेन करने पे एक बड़े रेंज का ब्रेकडाउन होगा और फिर अगला सपोर्ट होगा 200 और 200 से लेकर 195 के,
और फ्रेश सेलिंग अपने को देखने को तब मिलेगी जब ये 190 के नीचे यहाँ पे सस्टेन करने के स्टार्ट करेगा, तो तब असली गेम प्ले यहाँ पे देखने को मिलेगा करूर वैश्य बैंक के अंदर। फिर अगले जो टारगेट देखने को मिलेंगे वो होंगे 180, 165 और हो सकता है 155 पे भी लेवल दिखाता हुआ देख जाए। मंथली की डिमांड जो उनकी बात करते हैं तो वो अपने को 125 और अपने को अगला जो होगा वो 105 के आसपास दिख रहा है। तो इससे पहले कोई भी बढ़िया सपोर्ट नहीं है जो कि बड़ी सेलिंग को रोक सके। तो गाइस ये थी अपनी रिसर्च ईएसयू बैंक के ऊपर। अगर वीडियो पसंद आई है, कुछ ना कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज वीडियो को कर देना लाइक। किसी स्टॉक में फंसे हुए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में रीच आउट कर सकते हो अपने पर्सनल व्यू या फिर स्टॉक के नाम के साथ हो, उसके लेवल्स या फिर जो भी आपका डायरेक्शन है उसको आप लोग वहां पे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, ताकि हमें जो भी अच्छा लगेगा जो हमारी स्टडी होगी उसके अकॉर्डिंग आपके साथ इस वीडियो के थ्रू हम लोग अपनी रिसर्च कमेंट बॉक्स में दे पाए या फिर नेक्स्ट वीडियो में कवर कर पाए। और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को कर देना सब्सक्राइब और जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि और भी लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिल सके। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग माय वीडियो।